जितनी यादा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर दो तुम्हें। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने चांद पर जमीन लेने का सपना क्या पूरा किया, इन अमीरों की औलादों का मुंह तर गया और इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूं कौन। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं। अरे क्या अलग अलग, तेरा ही तो गाना था, बजाया है तूने, ये डांस किया बेकार में, हट। सर काय पोचे, ऊपर आ जा, आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो, फिर बोल क्या है, क्या नाम, हम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा। लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते हैं। तू ऐसे जुदा हुआ मेरा तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। जितनी यादा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर। सुशांत सिंह राजपूत आज वो नहीं है, लेकिन ये बेजुबान जानवर आज भी उन्हें याद कर 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 रोता है। कहते हैं जो इंसान इन जानवरों की सेवा अपने से ज्यादा करता है ना, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है। आज वही एक अच्छे दिल का इंसान। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर दिल बेचारा जो कि रेडी हो चुकी है, और मेरी दरख्वास्त है उन प्रोड्यूसर से और डिस्ट्रीब्यूटर से कि प्लीज इस मूवी को ऑनलाइन या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना करें। हम सुशांत को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, और हम इसकी गारंटी लेते हैं कि इस सुशांत की आखिरी पिक्चर को हम बनाएंगे सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो। Who would you kill, marry or hook up with? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत। Marry रणबीर, kill सुशांत, hook up with सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत, कभी मिले नहीं आपसे, कभी बातें नहीं करी, कभी जाना नहीं आपको, पर ना जाने क्यों आपकी जाने की खबर सुनकर ऐसा लगता है कि हमने कोई अपना खो दिया, कोई अपना बड़ा भाई। ऐसा लगता है कि बॉडी से एक पार्ट कम हो गया। क्यों भाई ऐसा क्यों किया? तूने सुना वो तेरा फेवरेट एक्टर था मालूम, सुशांत सिंह राजपूत, उसने सुसाइड कर लिया मालूम क्या? रुक दिखा दो तेरे को, ये देख ये देख। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। आदित्य चोपड़ा और करण जौहर क्या सुशांत के डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह थे? हम आपको बता दें, पहली फिल्म हिट होने के बाद सुशांत को 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था यशराज बैनर से, लेकिन इसी बीच संजय लीला भंसाली रामलीला के लिए सुशांत को अप्रोच करते हैं। सुशांत ये फिल्म करना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने कहा एक बड़ी फिल्म बना रहा हूं बेफिक्रे, उसमें तुम लीड एक्टर होगे, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में हो। सुशांत मान गए, लेकिन बाद में आदित्य चोपड़ा ने यही फिल्म रणवीर सिंह को नियम तोड़कर दे दी। बाद में बेफिक्रे भी रणवीर सिंह को दे दी। रणवीर का ग्राफ आसमान पहुंच गया, सुशांत डिप्रेस थे। आदित्य चोपड़ा के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत ने दूसरे प्रोडक्शन हाउस की पीके में काम किया, लेकिन इसके बाद सुशांत अलग होना चाहते थे और यहीं से आदित्य चोपड़ा से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसका असर करण जौहर के प्रोडक्शन में देखने को मिला, जहां सुशांत ड्राइव कर रहे थे। ड्राइव को 2 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बाद में हवाला दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सोचिए, करण जौहर की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। इसके अलावा एक और फिल्म पानी, उसे भी रोक दिया गया और सुशांत यहीं से डिप्रेस्ड हो गए।